दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी। आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम। सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम बनी है आतिशी। केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा जताया, ये बात आतिशी ने कही। दुख है कि मेरे बड़े भाई केजरीवाल आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बधाई मत दें, माला मत पहनाइएगा। केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी। बीजेपी ने 2 साल तक केजरीवाल को परेशान किया। बीजेपी एलजी के जरिए दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी, आतिशी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा की कोशिश करूंगी। केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता दुखी है। केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने वो किया जो दुनिया में किसी नेता ने नहीं किया। चुनाव तक एक ही उद्देश्य है, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। ये तमाम बातें आतिशी ने कही हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मरलेना। दरअसल आतिशी मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रह चुकी हैं। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई, 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी और एक साल बाद ही 2024 में सीएम बनी। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी। राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प इनका रहा है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने भरोसा जताया। मुझे सुख, मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। मुझे सुख, मैं खुश हूं। तो आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बता दें कि आतिशी इस वक्त अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री भी रही हैं। 14 मंत्रालय उनके पास रहे हैं, साथ ही कई बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा रही हैं। मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी वो रह चुकी हैं। अन्ना आंदोलन के वक्त भी वो पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन आतिशी अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर दुख जाहिर किया है। बड़ा भाई बताया अरविंद केजरीवाल को, साथ ही बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2 साल तक सीएम केजरीवाल को काम नहीं करने दिया। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधम करो करेंगे। जितेंद्र, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मिल गई हैं, साथ ही आतिशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2 साल तक केजरीवाल को काम नहीं करने दिया बीजेपी ने, तमाम आरोप वो लगाती नजर आई। मेरे ऊपर विश्वास जताया है, जो कि मैं पहली बार पॉलिटिक्स में आई थी, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और अब विश्वास जताते हुए मुझे मुख्यमंत्री तक लेगी। अगर मैं किसी और पार्टी में होती तो शायद मुझे टिकट तक नहीं मिलती, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, इसीलिए पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा था और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे में वो भावुक भी हुई, उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि शायद मुख्यमंत्री अगर पद से इस्तीफा ना देते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी होती हुई यहाँ पर दिखाई दी, भावुक होती हुई दिखाई दी कि उनको दुख है इस चीज का कि मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है।
क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो बीजेपी जो है वो लगा रही है। दो साल तक केजरीवाल को काम नहीं करने दिया गया, उनको काम से रोका गया, तो ऐसे में तमाम ऐसे सवाल थे जो कि वो साफ तौर पर करती हुई यहाँ पर नजर आई हैं। और उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि विधानसभा चुनाव में वो लोगों से अपील करनी है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता का भला हो, दिल्ली की जनता का कोई काम हो, ऐसा आरोप जो है वो आतिशी यहाँ पर साफ तौर पर लगाती हुई नजर आई है। सौरभ, जितेंद्र, आतिशी का नाम सामने आया, सीएम बनी है वो, अब आज ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, क्या कुछ जानकारी है? इस्तीफा आज केजरीवाल देने वाले हैं, शाम को 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, वो एलजी से मुलाकात करके इस्तीफा सौंपेंगे, क्या आज ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए 4:30 बजे के आसपास जो है सीएम केजरीवाल जो है वो एलजी हाउस जाएंगे और वहां पर अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो है आतिशी जो है, देखिए आतिशी के नाम पर मोहर लगे, आतिशी मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ऐसे में अब वो कब शपथ लेंगी, हो सकता है कि कल भी शपथ ले सकती है, तो ऐसे में लेकिन 4:30 बजे के आसपास जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा एलजी को सौंप देंगे, और उसके बाद केजरीवाल का ये कहना है कि वो जनता के बीच में जाने का जो प्लान था उनका पहले से जो बनाया हुआ था मनीष सिसोदिया के साथ, अब वो पदयात्रा निकालेंगे और गली गली मोहल्ले ले जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे, और इसके साथ साथ लोगों से कुछ सवाल भी करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है तो उनको वोट ना दिया जाए, अगर आम आदमी पार्टी ने गरीब जनता के लिए काम नहीं किया है, चाहे वो बिजली की बात हो या पानी फ्री की बात हो या बसों में महिलाओं के फ्री की टिकट की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी ने आम जनता के लिए काम नहीं किया है तो वो वोट ना करें, और अगर काम किया है और वाकई में दिल्ली की जनता उन्हें चाहती है तो वो वोट जरूर करें आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी वो षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को फंसाती हुई नजर आई है। ये कहना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि सलाखों के पीछे तक उनको भेज दिया गया, और साफ तौर पर आम आदमी जैसे ही केजरीवाल सलाखों के पीछे से जैसे ही बाहर आए, उनकी जमानत हुई, तो सड़कों पर पोस्टर भी चिपके हुए दिखाई दिए। कुलदीप कुमार ने पोस्टर लगाया था कि मोदी का काल केजरीवाल, तो कुलदीप कुमार का साफ तौर पर कहना था कि अगर मोदी को किसी से डर है तो वो है केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल के होते हुए दिल्ली के अंदर बीजेपी कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकती, ऐसे में उनको उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तोड़ने की जो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से की गई है, लेकिन फिर भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रही, उनके जो मंत्री हैं जेल गए, सलाखों के पीछे गए, उनके मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन पार्टी नहीं टूटी, पार्टी एक साथ खड़ी है और विधानसभा चुनाव में सभी 70 की 70 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी। जितेंद्र, बड़ा सवाल ये कि गोपाल राय ने भी, हमने सुना कि हमला किया बीजेपी पर, उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार गिराने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की, ईमानदारी केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है, बीजेपी दिल्ली के विकास को रोकना चाहती है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतिशी के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पहला ये कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी, और दूसरा ये कि बीजेपी के षड्यंत्र को रोकने की जिम्मेदारी, यानी कि तमाम बड़ी बातें गोपाल राय कहते नजर आए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर गोपाल राय ने बीजेपी को घेरते हुए उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बीजेपी ने लाख कोशिश की कि पार्टी को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए, इनके जितने भी विधायक हैं मंत्री हैं इनको तोड़ा जाए और बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, जो ऐसे आरोप थे वो गोपाल राय साफ तौर पर लगाते हुए नजर आए। लेकिन गोपाल राय का ये भी कहना था कि अब आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है, उनको मुबारकबाद भी दी और कहा कि 2 करोड़ जनता की जो सेवा है वो अब आतिशी के हाथ में है और आतिशी 2 करोड़ जनता की सेवा करेंगी, और ऐसी के साथ साथ गोपाल राय का ये भी कहना था कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी जीत कर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसी वजह से उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं और उनके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो टूटे नहीं, सलाखों के पीछे रहे, लेकिन फिर भी हमने लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कर न्याय मिला उन्हें कोर्ट से, और ऐसे में अब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ गए हैं तो अब पदयात्रा करेंगे और लोगों के बीच पहुंचेंगे। एक प्लान हो रहा है कि उनके जितने भी निगम पार्षद हैं, उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी जो है वो चुनाव प्रचार में अब जुट जाएंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और जितेंद्र, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रोक